क्या शाहरुख खान को भेजा गया सलमान की सिस्टर की वेडिंग का इनवाइट? अगर हाँ तो क्या अर्पिता का वेडिंग बैश अटेंड करेंगे किंग खान? रिसेंटली अर्पिता की वेडिंग की तैयारियों की खबरों के साथ साथ ये तमाम सवाल लगातार सामने आते रहे हैं, पर अब इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने खुद सबके सामने आ गए हैं शाहरुख खान। इंशाल्लाह यार, अरे शी इज लाइक माय सिस्टर, आई हैव सीन हर फ्रॉम चाइल्डहुड, सो मोस्ट सर्टेनली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बाकी इनविटेशन आया नहीं आया मुझे खुद नहीं मालूम, मैं भी घर पहुंचा हूं। जी हाँ, शाहरुख खान ने सलमान की सिस्टर अर्पिता की वेडिंग सेरेमनी में जाने या ना जाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा सस्पेंस खत्म कर दिया है और मीडिया के सामने क्लियर कर दिया है कि अर्पिता की वेडिंग अटेंड करने के लिए उन्हें किसी इनवाइट की जरूरत नहीं। हाँ नहीं, इंशाल्लाह मोस्ट सर्टेनली आई विल गो, एंड उनके साथ हमारा जो घरेलू रिश्ता है उसके अंदर कोई इनवाइट की भी जरूरत नहीं। अर्पिता को मैं गोद में खिलाऊंगा बचपन से, सो आई विल 100%। यानी पते की बात ये कि अर्पिता की वेडिंग 100% अटेंड करेंगे शाहरुख खान। पर बता दें कि यहाँ स्पेशल बच्चों के लिए एक इवेंट पर मीडिया के सामने आए शाहरुख खान ने कुछ और रीसेंट कंट्रोवर्सीज पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है, जिनमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी जया बच्चन के एक स्टेटमेंट के बाद बच्चन फैमिली से उनकी बढ़ती दूरियों की खबर। नहीं यार, मैं नहीं हूँ, किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, नॉट जस्ट एज प्रोफेशनली, सो इट लुक्स वेरी ऑड टू बी टॉकिंग अबाउट दिस एंड व्हेन देयर इज़ नो रीज़न टू बी लाइक दैट। मुझे कोई नाराजगी नहीं है और होने का कोई रीज़न नहीं है, और अगर मतलब हक भी नहीं है, अगर मैं होता तो बच्चे की तरह नाराज़ होता उनके साथ, बट मैं हूँ नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं। आई मेट काम कल मिले ना देर में, देयर इज नो नाराजगी, सब बेचारी को मेरी साइनस की दवाई दे रही थी। वेल, बच्चन फैमिली से डिफरेंसेस की बातों को एसआरके ने सरासर रूमर डिक्लेयर कर दिया। पर अगर आपको याद हो तो हैप्पी न्यू ईयर की रिलीज के बाद से एसआरके की बच्चन फैमिली से नाराजगी की खबरें लंबे अरसे से गर्म रही थी और शायद इन खबरों को भी एसआरके के सामने आकर सफाई देने का इंतजार था, जो उन्होंने इस इवेंट पर आकर दे दिया। और सफाई देते देते एसआरके कुछ इस रौ में आ गए कि जब उनसे पूछा गया क्लीन इंडिया कैंपेन में उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो देखिए उन्होंने किस तरह झाड़ लिया अपना पल्ला। मैं तो बहुत बार बार बोलता हूँ यार, मैं दिल से साफ हूँ। मैं दिल की सफाई कर रहा हूँ, दिमाग की सफाई कर रहा हूँ, और मुझे वैसे ही थोड़ा सा अजीब लगता है झाड़ू वाड़ू करते हुए, स्पेशली ग्लव्स के साथ। तो मैं जो है, मैं दिल से साफ हूँ, और आई बिलीव इन क्लीनिनेस, एंड इफ़ यू गो टू किड्सानिया हियर यू नोटिस कि मैं उस चीज़ में बहुत मानता हूँ, और इंशाल्लाह जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करते रहेंगे, बट नॉट नेसेसरली एज अ मोटिव। बट मैंने कहा ना, मैं दिल से साफ हूँ, दिमाग साफ है, ज़बान साफ कर रहा हूँ, और जैसे जैसे होगा सारी दुनिया साफ कर रहा हूँ। शाहरुख, फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई।